हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। दोस्त, पीएम मोदी का यह वीडियो शेयर करते हुए पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि शरीफ सरकार को शर्म नहीं आ रही। देखिए कैसे भारत के पीएम पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो की पूरी कहानी क्या आप जानते हैं? पीएम मोदी ने पाकिस्तान से इस वीडियो में और क्या कहा, तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं वो हिस्सा जब पीएम मोदी ने इसी भाषण में पाकिस्तान को परमाणु बम की धमकी तक दे दी थी। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया, ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये वीडियो है साल 2019 का, जब देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और पीएम मोदी चुनावी रैली कर रहे थे। पीएम मोदी ने यह बातें राजस्थान के बाड़मेर में हुई रैली में कही थी। 21 अप्रैल 2019 के वीडियो का ही एक हिस्सा पाकिस्तान में अब वायरल हो गया है। वहाँ की जनता खस्ताहाल हो चुके अर्थव्यवस्था के कारण महंगाई की मार झेल रही है और यही कारण है कि वहाँ की राजनीतिक पार्टियां और जनता सरकार को घेरने के लिए इस वीडियो के छोटे से टुकड़े का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें पीएम मोदी ने पाकिस्तान के हाथ में कटोरा लेकर घूमने की बात कही है। अब हम आपको उस भाषण का पूरा हिस्सा सुनाते हैं। मैं पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया, ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये क्या तरीका है? भाइयों बहनों, हमने आतंकियों के मन में डर पैदा किया, ये ठीक किया कि नहीं किया? वरना आए दिन हिंदुस्तान में धमाके करते रहते थे, कभी अजमेर में धमाका, कभी समझौता एक्सप्रेस में धमाका, कभी मुंबई में धमाका, कभी हैदराबाद में धमाका, कभी काशी में, कभी अयोध्या में, कभी जम्मू में। 5 साल से सब बंद है ना, है कि नहीं? ये पुलिस वाले तो वही है भाई, पुलिस वाले तो वही है। ये बंद क्यों हुआ? ये बंद क्यों हुआ? क्या कारण है बंद हुआ? क्या कारण है बंद हुआ दोस्तों? अरे मोदी कारण नहीं है, ये आपके वोट की ताकत है कि मोदी ये कर पा रहा है। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। दोस्त, ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? आप बस 5 साल मुझे मौका दीजिए, फिर देखिए। आपको लगता है ठीक किया, लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी लोग हैं, उनको लगता है ठीक नहीं किया। उनका कहना है आतंकवाद, राष्ट्र की रक्षा ये मुद्दा ही नहीं है। अरे मेरे वीर बेटे तिरंगा लपेट करके घर आ रहे हैं और तुम कह रहे हो मुद्दा नहीं है? कब तक? कब तक मैं देश के वीर बेटों को मरने दूंगा? ये मुद्दा है। कांग्रेस के नामदार कहते हैं कि मोदी को भारत के शौर्य की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई? तो क्या मैं यह भजन मंडली चलाने आया हूं क्या?
दरअसल पीएम मोदी चुनावी सभा में कांग्रेस को घेर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया और जिसके बाद पाकिस्तान के खस्ता हाल और अपनी पाकिस्तान पर नई नीति का उन्होंने जिक्र करते हुए ये भाषण दिया था। पीएम मोदी ने साल 2019 में ही पाकिस्तान के हाल का जो जिक्र किया था वो आज के दौर में यानी साल 2023 में इस वीडियो को देखकर समझ आता है कि पाकिस्तान वाकई में कटोरा लेकर घूम रहा है और उसके मौजूदा पीएम मित्र देशों से रहम की भीख मांग रहे हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पीएम मोदी की साल 2019 की भविष्यवाणी 2023 में अब सच साबित हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।